Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about chapter 4, which is talking about the adolescence. Adolescence is basically a sexual phenomena, and it is the period of the life. In this period of the life, basically sexual maturity is attained. This is in between the juvenile stage and between the adulthood, and it is characterized by many features. इसमें ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो है एडोलेसेंस और एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट को आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना. एडोलेसेंस एक काफी लंबा पीरियड है जो कि जुवेनाइल और एडल्टहुड के दरमियान में है, जबकि जो स्पर्ट है वो एक काफी छोटा टाइम है. एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट स्पर्ट इज वो साल दो साल का टाइम जो है जिसमें कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है, जबकि एडोलेसेंस इज अ लॉन्ग पीरियड बिटवीन द जुवेनाइल एंड एडल्टहुड. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली 3-4 फीचर. एडोलेसेंस के अंदर ही एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट जो है वो होती है, ठीक है, जिस तरह के आप इसमें देख रहे हैं. और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्टिलिटी, आप नजर आ रहे हैं इसमें मेरे में. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्टिलिटी, प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. और इसमें बेसिकली क्या है, फर्टिलिटी का मतलब से क्या बनता है, जब फर्टिलिटी की बात की तो जाहिर बात है सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स हार्मोन का होगा. जब सेक्स ऑर्गन्स जो है उनकी मैचुरेशन होगी और उनका डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली देर वुड बी अ सर्ज एंड इन द सेक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन. This is more important for the orthodontic end point of view because this stage involves the major changes in the teeth and as well as the jaw. Because major ya gross changes jaw mein ho rahi hai, the jaw ki position or size jo hai wo change ho raha hai. Jaw ki position change hone ke saath as well as the position of the teeth are being moved. The initiation of the adolescence is start from the exact cause is basically unknown. And but apparently it start from an internal clock, and the timing start with some external stimulus which stimulate the brain cells in the hypothalamus, and these hypothalamus start secreting substance which is called a releasing factor. Simple si baat, ye teen stages ke upar pe kaam ho raha hai. Sabse pehle internal clock, yani ki jab uske timings ho gaye, and under the stimulus of certain external stimulus hua kya ki हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर जो हैं वो रिलीज होना शुरू हुए. अब ये रिलीजिंग फैक्टर जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए ये पहुंचेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड तक वाया पोर्टल, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम. अब ये पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी, होता क्या है कि नर्वस सिस्टम आया या सॉरी वेनस सिस्टम आया, ब्लड वेसल्स यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, वापस दोबारा मर्ज की, और ये मर्ज होने के बाद एडिनो हाइपोफिसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दोबारा जाके ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गए. तो हुआ क्या कि देयर इज अ पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम आपने हेपेटिक में पढ़ा होगा. पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि द सब्सटेंसेस आर ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन. व्हाट इज हैपनिंग, द ब्लड वेसल्स जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज ने वो रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस पिकअप किया, दोबारा ब्लड वेसल्स कंबाइंड हुई और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एडिनो हाइपोफिसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो आ गया. वहां से क्या हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स को इन्होंने स्टिमुलेट किया और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुए दिस आर कॉल्ड पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स. गोनेडोट्रोपिन्स क्या है, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द स्टिमुलस ऑफ द releasing factor which are being released from the hypothalamus. These pituitary gonadotropins are basically luteinizing hormone or follicle stimulating hormone. These pituitary gonadotropins hormones are basically going to act on the sex organs. Okay? Sex organs where they are going to act, and under the stimulus of the pituitary gonadotropins the sex organs start producing sex hormones. जो कि आपको पता है कि जी sex organs क्या हैं, कि ovaries और testes हैं और उनके estrogen और progesterone जो उनके hormones हैं. अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो है वो release हुआ releasing factor from the hypothalamus which act on the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland under the influence of the releasing factor by the hypothalamus release the pituitary gonadotropins which are the luteinizing and follicle stimulating hormone. These hormones of the pituitary gland basically acted on the sex hormone, sex organs, and sex organs which are the ovaries and the testes, they produce sex hormones. So these sex hormones are basically causing, thus producing the sex, secondary sex character in the overall, in the overall body. What is happening, Kim? There is always a mixture of the male and female sex hormone, and in every person, in every male and female, there is like
mixture of the, because of the mixture of the hormone, there is feminine males and there are certain masculine females. And this is feminine males, वो हैं जिसमें कि आपका जो है वो male जिसके अंदर female sex hormones जो हैं उनकी quantity ज़्यादा है. Masculine female कौन है? जिन वो females इनके अंदर male sex hormones जो कि progesterone है वो उसकी quantity ही ज़्यादा है. अब ये produce कहाँ से हो रहे हैं? In the female, the pituitary gonadotropin stimulates secretion of the estrogen by ovaries, और वही ovaries जो हैं वो बाद में progesterone produce कर रही हैं. जबकि female में क्या हो रहा है कि ovaries ने estrogen produce किया जो कि ओवरीज ने ही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया फीमेल में और उन्हीं ओवरीज ने बाद में प्रोजेस्टेरॉन किया. जबकि फीमेल में क्या हो, जब इन द फीमेल द मेल सेल हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में. क्विक समराइज करता हूँ कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरीज वो प्रोड्यूस करता है पहले एस्ट्रोजन और उसके बाद वही जो है वो प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से फेमिनाइल, जिसकी वजह से जो मिक्सचर ऑफ द जेंडर आपको मिलेगा. जबकि फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स से. ठीक है, और दूसरा एक बात की रखिएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओवरीज और टेस्टिस, ये तीन जगह जो है जहां से सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, सो हुआ क्या कि वो सेक्स हार्मोन काम क्या कर रहे हैं, दी सेक्स हार्मोन विच आर रिलीज अंडर द स्टिमुलस ऑफ द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन, दी सेक्स हार्मोन आर बेसिकली कॉजिंग द development of a secondary sex character, growth of the genitalia, acceleration of the general body tissue and shrinkage of the lymphoid tissue. ये इसमें आप याद रखिएगा कि देखो sex hormones हैं, तो sex hormones ने क्या करना है, growth of the genitalia, वो तो obviously से related है. Secondary sex character ये भी आपको उससे याद रहेगा. जो दो बातें और याद रखें, पहले कि shrinking of the lymphoid tissue, वो जैसे ही आपको पता है कि 10, 11, 12 साल की एज में सब lymphoid tissue shrink कर रहा है, तो यही वो टाइम है जब आपका sex hormone produced हो रहे होते हैं. So, और यही वो टाइम है जिसमें कि adolescent growth spurt भी आ रही होती है, तो this is the acceleration of the जनरल बॉडी टिश्यू भी इसी स्टेज में हो रहा है. अच्छा, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि देयर इज अ थ्री लेयर्स या थ्री स्टेप ऑफ एम्पलीफिकेशन सिस्टम. थ्री स्टेप ऑफ एम्पलीफिकेशन सिस्टम कैसे है कि पहले आपने रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुए हाइपोथैलेमस है जिसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीज हुए जो कि लुटेराइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. दे एक्टेड ऑन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओवरीज एंड टेस्टिस. इन तीन जगहों से, ओवरीज, टेस्टिस और एड्रेनल कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन रिलीज हुए जिन्होंने जो है वो ग्रोथ ऑफ द जेनिटेलिया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, श्रिंकिंग ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू एंड एक्सेलरेशन ऑफ द जनरल बॉडी टिश्यू जो है वो कंडक्ट किया. थ्री लेयर्स एम्पलीफिकेशन है वो आपको पता चल गया. अच्छा, टाइमिंग ऑफ द प्यूबर्टी है, नॉर्मली क्या है कि फीमेल्स में जो है वो प्यूबर्टी जो है वो पहले आती है, ऑलमोस्ट 2 साल पहले है. बट देर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन. यू मे हैव अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच यू वुड बी हैविंग एन अर्ली मेच्योरिंग बॉय, जिसमें कि जो स्लो मेच्योरिंग गर्ल्स से पहले प्यूबर्टी आ जाएगी. प्लीज नो डाउन, नॉर्मल क्या है कि 2 साल पहले फीमेल में जो है वो स्पर्ट आती है. बट देयर कुड बी अ सिचुएशन एन इंडिविजुअल वेरिएशन जहां पर अर्ली मेच्योरिंग बॉयज में प्यूबर्टी आ गई है स्लो मेच्योरिंग गर्ल्स से पहले. ठीक है, इसलिए जो है वो आप उसके सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, उसके फिजियोलॉजिकल कैलेंडर और उसका जो है वो आप उसको असेस कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि वो कौन सा ग्राफ है. मैं इसको याद करा देता हूँ कि हमने जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो फीमेल में 3 स्टेजेस पे डिवाइडेड है एंड इन द मेल्स दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस. ईच ऑफ द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर एंड दी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आर कोरिलेटेड एंड आर कोरिलेटेड विद द एडोलेसेंस और द सर्च इन द सर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द जनरल बॉडी टिश्यू. ओके, वेल, टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, हम क्विकली इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. बेसिकली इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक वी ऑलवेज डू अ क्लोज एग्जामिनेशन. वी कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सी ऑन द हाइलाइटर. सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, the first stage in which there is a beginning of the adolescent growth is characterized by the appearance of the breast buds. ठीक है, पहले स्टेज में अपीयरेंस ऑफ द बड्स है, स्टेज 2 में नोटिसेबल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और तीसरी स्टेज में कंप्लीट हो गए. क्विकली याद करते हैं, पहली स्टेज में जो है वो बिल्कुल अपीयरेंस या बड डेवलप हुए हैं, दूसरी में नोटिसेबल डेवलपमेंट है और तीसरी में जो है वो साइज कंप्लीट हो गया है और तीसरी स्टेज वो है जो कि एंड ऑफ द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट है एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंसेस.
बिल्कुल एक सिंपल सी बात रखिएगा, क्विक चेक, कि आप किसी मरीज से ये सवाल पूछते हैं कि उसके मीनार की स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्ट एंड इनिशिएशन ऑफ द मेंसेस इज बेसिकली द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंडिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ स्पर्ट। इट इज थर्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रस्ट कंप्लीशन, जो हमने पहले से याद करते हुए आए थे, ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स विद द एडल्ट फैट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एडल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल वो आना शुरू हो जाएंगी। याद करते हैं क्विकली, पहले स्टेज में क्या था, अपीयरेंस ऑफ द बर्ड्स, दूसरी में नोटिसेबल डेवलपमेंट, तीसरी में जो है वो बस कंप्लीट हो गए थे, एंड थर्ड स्टेज इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द मेनार्की मेंसेस, या ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स विद एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया, अब हम आ जाते हैं बाकी फीचर में। द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनिशियल प्यूबिक हेयर। तो प्यूबिक हेयर के हवाले से आप याद रखिएगा कि जब जिस भी स्टेज पे आपको प्यूबिक हेयर नजर आए, चाहे ये स्टेज है या दूसरी स्टेज है, उससे अगली स्टेज पे क्या होगा, ऑक्सिलरी हेयर्स, यानी कि हाथ के नीचे जो बगल के जो बाल बार है। तो प्यूबिक हेयर आए स्टेज वन में, और स्टेज टू के ऊपर आए मोर डार्कर एंड मोर अबेंडेंट प्यूबिक हेयर, ऑब्वियसली जो है उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इंक्रीज कर गया। और दूसरी स्टेज में ऑक्सिलरी हेयर, जहाँ पे प्यूबिक हेयर है एग्जैक्ट उससे दूसरी स्टेज में, नीचे वाली स्टेज में ऑक्सिलरी हेयर है। यहाँ पर भी देखें, स्टेज टू में प्यूबिक हेयर आए यहाँ स्टेज वन पे, यहाँ पे स्टेज टू पे, तो उससे अगली स्टेज में ही ऑक्सिलरी स्टेज आ रहा है। फीमेल का क्विकली रिकॉल करते हैं, स्टेज वन टू थ्री, स्टेज वन इज करेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ द बर्ड, टू इज करेक्टराइज बाय द नोटिसेबल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, थ्री इज करेक्टराइज बाय द कंप्लीशन ऑफ द ब्रेस्ट। स्टेज वन इज करेक्टराइज बाय द प्यूबिक हेयर वन, प्यूबिक हेयर के बिल्कुल अगली स्टेज पे आता है मोर अबंडेंट एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एंड मोर डार्कनिंग वन एंड द ऑक्सिलरी हेयर्स। तीसरी स्टेज पे आ जाता है जो करेक्टराइज हुआ है बाय द मेनार्की एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स विद द एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड और इस स्टेज में क्रॉस स्पर्ट एंड कर जाती है। बॉयज में आप याद रखने का रख सकते हैं, देयर आर फोर स्टेजेस। स्टेज वन यू कैन रिकॉल बाय द वर्ड एफ, एफ से कैसे फैट स्पर्ट आता है, फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट, एफ 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 तीनों जगह पे देखा, फैट स्पर्ट आया, फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट टिश्यू, ठीक है एफ। अच्छा इसके बाद स्टेज टू में क्या होता है, लड़कों में क्या हुआ, पहले स्टेज में वो चबी लोगों के आगे के उसमें फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट हो गई, स्टेज टू पे क्या हुआ कि वो रिडक्शन इन द फैट हो गया, वापस दोबारा से दुबले पतले होना शुरू हो गए। और स्टेज टू को आप पी के साथ याद रख सकते हैं, पहले स्टेज पे एफ का वर्ड था कि फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, फैट स्पर्ट है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट है। स्टेज पी में पी फॉर प्यूबिक एंड पी फॉर ग्रोथ ऑफ द पेनिस, प्यूबिक हेयर आए स्टेज टू में और ग्रोथ ऑफ द पेनिस होगी, पहले में एफ दूसरे में पी, पी फॉर प्यूबिक हेयर आया, तो अब उससे अगली स्टेज में क्या था कि मोर एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्यूबिक हेयर, मोर बेंडेड मोर डार्कर हेयर्स, एंड दूसरी स्टेज में ऑक्सिलरी हेयर्स आ गए। और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि जी दूसरे में ये फीचर आए तो दोनों इसमें साथ में आ गए। और दिस स्टेज अगर मैं आपसे कहूँ ना कि सिर्फ दो बातें याद रख ले, तो दो बातें याद रखने के लिए कि स्टेज थ्री में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फौरन से पता चल गया कि जो है क्रॉस वर्ड खत्म हो गए, ये एक बिल्कुल की पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको याद रखने के लिए कहे कि पीक हाइट जो वेलोसिटी है वो आना शुरू होती है जब फेशियल हेयर अपीयर ऑन द अपर लिप ओनली, कि लड़कों में सिर्फ ऊपर वाले होंठ के ऊपर जब टीथ जो है वो बाल आ रहे हैं, इट्स मीन कि वो बिल्कुल पीक हाइट वेलोसिटी आ गई। और दूसरा याद रखें कि फेशियल हेयर ऑन द चिन एंड लिप, यानी कि चिन के ऊपर भी जब आगे, पहले आपने कोई भी आपने कजन वगैरह में देखा होगा कि भाइयों वगैरह में कि पहले उनके बाल आ रहे होते हैं ऊपर वाले होंठ पे, और दूसरे पे वो चिन वगैरह पे आ रहे हैं, और एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती बाकी चेहरे वगैरह पे आ रहे हैं, चिन पे आ गए बाकी जगह पे आ गए, इसका मतलब है कि ग्रोथ स्पर्ट्स की खत्म होने वाली है, ठीक है। अब स्टेज जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, इसको आपने वर्ड एच के साथ याद रखें, हेयर फेशियल हेयर की बात की जिसमें कि चिन और लिप पे हेयर है, ऑक्सिलरी हेयर्स की हमने बात की क्योंकि ऑक्सिलरी हेयर्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्यूबिक है, और एडल्ट बॉडी फॉर्म जो है उसमें कर ली। स्टेज थ्री में भी क्या था कि जो है वो एंगुलर बॉडी फॉर्म जो एस्टेब्लिश होगी, क्विकली रिकॉल करते हैं, स्टेज वन पे क्या था, फैट स्पर्ट आई, फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट हो गई, स्टेज टू पे क्या रिडक्शन इन द फैट कि वो खत्म हो गया, प्यूबिक हेयर आए और ग्रोथ ऑफ द पेनिस, यानी कि पी पी प्यूबिक और ग्रोथ ऑफ द पेनिस। स्टेज थ्री के पास जाते हैं कि जी फेशियल हेयर अपीयर ऑन द अपर लिप, ठीक है अपर लिप के ऊपर आ गए, ऑक्सिलरी हेयर आ गए क्योंकि मैंने कहा था प्यूबिक हेयर के अगले स्टेज में ऑक्सिलरी हेयर आ रहे होते हैं, और मोर अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गए और उसमें एक एंगुलर बॉडी फॉर्म आ गए। स्टेज फोर इसको आप याद रखने, एच एच फॉर इसमें ऑक्सिलरी हेयर का करें, प्यूबिक हेयर की मोर डिस्ट्रीब्यूशन, फेशियल हेयर की बात करें कि अपर लिप के बाद चिन वगैरह पर भी आ गए। सो कमिंग बैक, ये मैंने आपको याद करा दिया, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक एंड चैप्टर, तो इस इन करेक्टरिस्टिक्स या इन फीचर की बेस पर
आपने ये देखा कि वो किस स्टेज पे आ रहा है। अगर मैं क्विकली इसको रिकॉल करते हैं, स्टेज वन पे फीमेल में ब्रेस्ट बड जो है वो डेवलप हुए थे और प्यूबिक हेयर आना शुरू हुए थे। स्टेज टू के ऊपर था कि नोटिसेबल डेवलपमेंट और जो है वो मोर अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्यूबिक हेयर और ऑक्सिलरी हेयर्स थे। स्टेज थ्री पे क्या था, मेंसेस स्टार्ट हो गए, ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स विद फैट डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी। बॉयज में आ जाते हैं तो वन में एफ से एफ फॉर फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन और फेमिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट और फैट स्पर्ट आ रहा था। स्टेज टू में क्या था कि जो फैट रिडक्शन इन द फैट एंड रिडक्शन इन द फैट एज वेल एज प्यूबिक हेयर एंड ग्रोथ ऑफ द पेनिस। स्टेज थ्री में क्या था कि अपर लिप के ऊपर जो है वो हेयर्स आ रहे थे, ऑक्सिलरी हेयर्स आ गए और मोर एंगुलर बॉडी फॉर्म आ गए। स्टेज फोर में क्या था, जो जो हेयर्स हैं वो अपर लिप के बाद चिन के ऊपर भी आ गए और जो है वो ऑक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर और मोर एंगुलर मोर एडल्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी फॉर्म आ गया। ठीक है, ये वो मैंने आप इसलिए इधर से इसलिए काटा हुआ कि वो मैंने टेबल वहां से याद करा लिया। ठीक है, तो अच्छा, टाइमिंग ऑफ द प्यूबर्टी हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फुल बॉडी साइज। वो टाइमिंग का इसके साथ रोल किस तरीके से है, क्योंकि टाइमिंग का इसके साथ रोल इस तरीके से है कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है बोन के ऊपर। आपको पता है कि जो द टोटल हाइट ऑफ द ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द एंडोकॉन्ड्रियल ग्रोथ ऑफ द लिम्स, एंडोकॉन्ड्रियल बोन ग्रोथ इन द लिम्स। तो हो क्या रहा होता है कि एपिफिजियल प्लेट्स जो हैं जब तक वहां पर वो पॉलिफ्रेट कर रही होती हैं और मेच्योर हो रही होती है तब तक उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। होता क्या है कि जब एडोलेसेंस आई, एडोलेसेंस में आप ग्रोथ स्पर्ट आने के साथ सेक्सुअल मैचुरेशन होगी तो सेक्स हार्मोन हैज स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बोन्स एंड ऑन द एपिफिजियल प्लेट। सेक्स हार्मोन्स के जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो टू फोल्ड है। एक तो क्या करता है वो उसकी जो है वो पॉलिफ्रेशन ऑफ द एपिफिजियल प्लेट्स को बढ़ाता है, यानी कि तेजी से वो पॉलिफ्रेट होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि वो उसकी मैचुरेशन ऑफ द कार्टिलेज, यानी कि जिस स्पीड से द कार्टिलेज इज बीइंग यूज्ड अप वो भी फास्टन कर देता है। तो सेक्स हार्मोन्स व्हाट आर दे डूइंग ऑन द एपिफिजियल प्लेट, वन इज दे आर इंक्रीजिंग द पॉलिफ्रेशन ऑफ द एपिफिजियल प्लेट्स, सेकेंडली दे आर increasing the maturational stages of the epiphyseal plates. So the epiphyseal cartilage is being converted into the bone under the stimulus of the sex hormones. So वह क्या कि इसका मतलब क्या है कि अगर simple words में कहूँ कि अगर तो पहले sex hormones develop हो गए body में आ गए जो कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से एपिफिजियल प्लेट्स को उनको मैच्योर करना शुरू कर देंगे। दिस इज द रीजन कि हमने एक बात की जनरल कंसेंसस किया कि फीमेल जो एडोलेसेंस है वो पहले आ रही होती है, फीमेल सेक्चुअली पहले मैच्योर हो रही होती है। सादा जबान में कहें तो फीमेल में जो है वो हार्मोन ज्यादा पहले डेवलप होकर ब्लड में आ गया। तो दिस हार्मोन हैज इम्पैक्ट ऑन द हाइट एज वेल। हाइट कैसे है, क्योंकि वो एपिफिजियल प्लेट मैच्योर करना शुरू कर देगा। तो दैट्स द वेरी रीजन कि द गर्ल्स आर एवरेज एंड स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द बॉयज, क्योंकि बॉयज में सेक्स हार्मोन ही बाद में आया और उसका जो लेवल भी कम था, तो इस वजह से उनकी हाइट ज्यादा हुई और वो ज्यादा उसमें आ गए। इसके अलावा कुछ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। जेनेटिक में आप देख लें जैसे कि डच बॉयज आर 5 centimeter taller than the American counterpart at the age of 10 years, or this is because of the hereditary and environmental factors which are acting in this. Or iske ilawa agar hum environmental factors ke upar aaye, ye to hoga genetic ki baat. Environmental factor pe hai ki there has to be a certain amount of the body fat, and this amount of the body fat is required for the initiation of the this for to begin their menstrual period ya cycle start karne ke liye zaruri hai ki a certain amount of body fat has to be required. So agar wo athlete jinka jo hai wo body fat level kam hai unme ye cycles jo hai wo bahut late start honge ya tab start honge jab a certain amount of body fat has to be when the certain amount of body fat level would be reaching to in their bodies. Iske alawa seasonal cultural effect kaise seasonal kya hai ki ss yaad rakhiyega, एस से स्प्रिंग एंड समर में जो है वो फास्टर हो गई और जो है वो विंटर और फॉल में जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा सिटी बॉयज आर टेंड टू बी मैच्योर फास्टर देन द रूरल, उसकी वजह से सिटी बॉयज में आपको ज्यादा उसमें अच्छी चीजें मिल रही हैं। और ठीक है, तो इसमें देखा कि स्प्रिंग the growth is faster in the spring and summer as compared to the fall and winter. City children are maturing more faster than the rural world, or developed country mein zyada growth developed because of the high level of the protein provided to them. Aur ye jo hai wo
ठीक है, मूविंग ऑन. इसके अलावा इसका ग्रोथ एंड जॉब पे कैसा इफेक्ट आ रहा है कि हमारे पास जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं जॉब, उसी पैटर्न को या सोमैटिक जनरल सोमैटिक टिश्यू के पैटर्न पे ही मैंडिबल या जॉ ग्रो कर रहा होता है. जैसे जैसे फॉर्चुनेटली बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है या बॉडी में जब फुल ग्रोथ स्पर्ट आ रही है, जॉ के अंदर भी उसी तरह या उन्हीं टाइमिंग्स में ही आ रही है ग्रोथ स्पर्ट. सो व्हेन देयर विल बी अ ड्रामेटिक स्पर्ट इन द हाइट, देयर विल बी अ ग्रोथ स्पर्ट इन द लेंथ ऑफ द मैंडिबल एज वेल. ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टू लाइक द स्पर्ट इन द बॉडी हाइट. ओके, सो हमारे पास एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वो था सेफेलोकॉर्डियन ग्रेडियंट. सेफेलोकॉर्डियन ग्रेडियंट मींस के जो मैं लेक्चर में कल बात करेंगे, कल पर जी मुझे दे जो हिसाब लिख के दे देना मुझे. चलो ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, अभी साथ रख लो, मैं कल हिसाब कमरा फ्री हो गया, ये सवा सवा सामान कमरे में फिट करो, चार्जिंग पर रखो, एक मिनट बच्चों होल्ड करना सर, ये चार्जिंग सब चीज उधर लगाओ, चार्ज चुप कर जो बच्चे सुन रहे हैं, चुप कर इसके लैपटॉप पे चार्जर भी लगा दूँ. मुझे कुछ खाने पीने को ला सकते, दे सकते हो आइसलैंड से कुछ खाने को ला दो जी. बच्चों अभी तो कुछ पूछना है, मैंने अनम्यूट किया सबको, किसी ने कुछ पूछना तो बताए. सर कुछ किस तरह अफेक्ट करता है ग्रोथ को, मतलब आपने बताया कि समर और स्प्रिंग में मतलब ग्रोथ रेट फास्टर हो जाता है, विंटर में कम होता है, तो किस तरह अफेक्ट करता है ये? ग्रोथ हार्मोन और जो है ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन से रिलेट करता है. मतलब समर और स्प्रिंग में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. जी, ये दीज आर ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म. तो जनरल मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है हाई विंटर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेंपरेचर एज वेल. तो इस वजह से एक्चुअली इज तो माहिन, आज मैं आपको कहता हूँ माहिन, माहिन कह रहा हूँ मिनाहिल, अभी ना जरा देखो कौन कौन प्रेजेंट है, अटेंडेंस लेके मुझे भेज दो जो जो प्रेजेंट. जी सर. तो दोबारा म्यूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. अभी तक समझ आ गई इसकी? अभी तक कुछ ज्यादा स्पीड नॉर्मल है, कुछ ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा? जी सर ठीक है, स्पीड ठीक है. इसको इसको अगर स्लो करना है या फास्ट करना है तो मुझे बता दो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मुझे बताओगे कि इसी पे मेंटेन रखूं. पे मेंटेन रखें. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं दोबारा से. यू ऑल आर म्यूट नाउ. सो मूविंग ऑन कि हम उसी से बात से स्टार्ट कर रहे थे कि हाउ डज द मैंडिबल इज रिलेटेड विद द एडोलेसेंट एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट, बिकॉज दिस एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट इज चेंजिंग द हाइट एंड दिस हाइट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ द सेक्स हार्मोन ऑन द एपिफिजियल प्लेट्स व्हिच आर एपिफिजियल प्लेट पे सेक्स हार्मोन का इफेक्ट क्या है कि उससे प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर रहा है और उसकी ईटिंग अप ऑफ द ईटिंग अवे ऑफ द कार्टिलेज एंड कन्वर्टिंग इन टू द बोन, ये दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स है. हुआ क्या कि जैसे जैसे हाइट के ऊपर स्पर्ट आ रहा है उसी तरीके से स्पर्ट या ग्रोथ चेंजेस आ रही है लेंथ ऑफ द मैंडिबल के ऊपर, और वो आपका जो है उसको चेंज कर रहा है. दिस इज रिक्वायर्ड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू एड्रेस इट इन अवर ट्रीटमेंट मॉडलिटी. देयर इज आल्सो अ सेफेलोकॉर्डल ग्रेडियंट. सेफेलोकॉर्डल का ग्रेडियंट का मतलब क्या था कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर ग्रोइंग लेटर एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इन सिंपल वर्ड, इन एज इफ यू कम टू द फेस, देयर इज द मैंडिबल ग्रो आफ्टर एंड लेटर ऑन रिलेटिव आर कम्पेयर
to the maxillary dentition. So this concept is basically the differential growth. So what is happening in the maturing phase because of this phallocaudrant grading or the differential jaw growth? Differential jaw growth means the mandible is growing later and afterward the growth and development of the maxilla. So what is happening with the growing age? The maturing phase becoming less convex as the mandible and the chin become more prominent as the result of the differential jaw growth. Okay, so इस जॉ ग्रोथ में एडोलेसेंस के अलावा एक और स्पर्ट भी आता है जिसको हम कहते हैं जुविनाइल एक्सेलरेशन या जुविनाइल ग्रोथ स्पर्ट. ये जुविनाइल ग्रोथ स्पर्ट किन किन वजूहात से कैसे आ रहा होता है? मन में बात आता है कि जी तीन जगह से सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, टेस्टिस, ओवरीज और एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का यहाँ पे ज्यादा रोल या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एड्रेनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, DHEA. डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, वन ऑफ द डिस्टिंक्शन क्वेश्चन इज दिस, इसको हम एड्रेनार्की कहते हैं क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड से आ रहा है. तो एड्रेनार्की इज जिससे डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन के लेवल जो इंक्रीज कर जाता है because of the secretion of the sex hormone from the adrenal cortex. So this is happening few years before the adolescent growth spurt. That's the very reason this is called the juvenile acceleration of the growth. So this increased level of the DHEA, jab ye critical level pe pahunch jata hai to phir initiation of the sexual attraction especially in the females. Ye process jo hai ye zyada prominent hota hai females mein as compared to the males, or jo acceleration in the growth is directly related to the intensity of the adrenarche. ठीक है, मतलब सिंपल ये है कि जितनी एड्रेनार्की या जितना स्पर्ट ग्रोथ, जितने हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, जितनी ज्यादा एड्रेनार्की या जुविनाइल उस जितना ज्यादा हार्मोन आ रहे होंगे उतनी ज्यादा इसमें ग्रोथ हो रही होगी. ठीक है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है कि वी हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंट काइंड ऑफ द पैरामीटर्स टू असेस द ग्रोथ. वी हैव द सेक्सुअल age, we have the dental age, we have the skeletal age that we assess from the CVM and anatomist. So the point which is going to establish in this paragraph is this, that there is not a good correlation between the dental ages and the adolescent growth spurt. If we go for some variation, we can have a situation that in the early maturing girls, the adolescent growth spurt often precede the final transition of the dentition. सिंपल वर्ड में क्या कहना चाह रहा है वो, कि सादा जबान में करूं कि ऐसा भी मुमकिन है कि मिक्स डेंटिशन स्टेज में हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कर जाए और उनको हम क्योंकि पहले मैच्योर होना शुरू हो गया तो उसको हम अर्ली मैच्योरिंग कह रहे हैं. तो इन द अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स वी कुड हैव एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट इवन इन द मिक्स डेंटिशन. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ स्पर्ट, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेंटिशन के ऊपर बैठे रह गए कि जी सारी डेंटिशन पूरी हो जाएंगी 12 साल की एज में तो आएगा, तो यू कैन हैव अ सिचुएशन, यू कैन मिस द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. तो वो नहीं होगा. इसके मुकाबले में वी हैव ऑपोजिट सिचुएशन के जिसमें कि स्लो मैच्योरिंग बॉयज हैं कि डेंटिशन पूरी आ गई है और आप ग्रोथ स्पर्ट से पहले उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, तो क्योंकि उसमें एक दो साल के टाइम में बहुत प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे तो उसका इतना रिमार्केबल रिजल्ट आपको नहीं आएगा. आई रिपीट, in the if we could have a like as individual variation in which there could be an early maturing girl which is having a mixed dentition and she is having the adolescent growth spurt. So if we rely just on the dentition for the assessment of the adolescent growth spurt, we can miss the growth spurt if we just keep on relying on the dentition, because if we have an individual variation we could have a situation like in which the growth spurt could happen in the mixed dentition of an early maturing girl. Vice versa, in the slow maturing boys, the dentition can be relatively complete, whereas the considerable amount of the physical growth is remaining, and this could not be an ideal time to start the treatment. So next, moving on to the dimensional changes, we are talking about the postnatal growth changes of the maxilla and mandible. The growth of the nasal maxillary area is produced by two mechanisms. One is the passive displacement, which is created by the growth of the cranial base of the maxilla. हमने इसको mnemonic याद की थी, P for passive, P for push, या P for parai. Parai मतलब उर्दू का वर्ड है कि साथ वाली बोन की ग्रोथ की वजह से हुआ. So push, by the push of the cranial base, cranial base की ग्रोथ की वजह से हुआ.
क्या हुआ कि मैगजिला फॉरवर्ड मूव किया, दूसरा एक्टिव ग्रोथ विच इज हैपनिंग ऑन द स्विचेस एंड द नोज. तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मैगजिला सॉफ्ट टिश्यू पुल की वजह से डाउनवर्ड फॉरवर्ड आता जा रहा है, उसके ट्यूबरोसिटी और उसके स्विचेस के ऊपर इनफिलिंग ऑफ द ग्रोथ और की कंपनसेटरी ग्रोथ होना शुरू हो गई है. हाउएवर यू ऑल नो कि द जो पैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैगजिला है दैट इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ द 7 years. सो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ is by the active growth of the maxilla at the suture and the surface remodeling. Regarding the surface remodeling, we all know that there is a resorption on the anterior surface of the maxilla when the maxilla is being moved downward and forward. So the total amount of the maxillary dentition, obviously dentition is in the middle part of the maxilla, so the total amount the maxillary dentition and the core of the mandible move downward and forward, this is basically 25% less 25% greater than the forward movement of the anterior surface of the maxilla, because the anterior surface is being resorbed. So as the anterior surface is being resorbed from anteriorly, so the maxillary dentition, which is in the middle of and the core of the maxilla, has moved 25% greater than as compared to the anterior surface of the maxilla. So this surface remodeling conceals the extension of the jaw in the downward and forward rotation. Coming to the nasal structure, nasal, you all aware of this, the nasal bone is completed at the age of 10 years. The rest of the growth of the nose is basically the growth of the cartilage or the septal cartilage. So there is an adolescent growth spurt of the nasal cartilage or nasal growth, in which the adolescent growth spurt, there is a rapid or massive proliferation of the nasal cartilage, which basically alter the shape, and not only alter the shape but also contribute to an overall increase in the size. So what is happening, the increased mass or increased extensions of the nasal cartilage is basically have an add-on effect on the morphology of the nasomaxillary complex. So the nasal dimension increase at that rate 25% greater than the growth of the maxilla. 25% greater effect is because of the growth and increase in the increase in the cartilage proliferation of the nasal cartilage. तीन चार क्या बातें की, एक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या है जो कि ट्यूबरोसिटी और सरफेस की स्विचेस पे ग्रोथ की वजह से, पैसिव डिस्प्लेसमेंट क्या है जो कि एंटीरियर क्रैनियल बेस के आगे मूव करने की वजह से, एंटीरियर क्रैनियल बेस की जो ग्रोथ है वो 7 साल के अंदर कंप्लीट होगी, जो रिमॉडलिंग इफेक्ट क्या है कि एंटीरियर सर्फेस इज बीइंग रिजॉल्व, द मैक्सिलर द कोर ऑफ द मैक्सिला एंड द मैक्सिलर डेंटिशन मूविंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो द कोर ऑफ द मैक्सिला एंड द मैक्सिलर डेंटिशन हैज मूव्ड 25% ग्रेटर एज कंपेयर टू द सर्फेस ऑफ द मैक्सिलर डेंटिशन. सो दिस सर्फेस रिमॉडलिंग बेसिकली कंसीलिंग and removing the total add-on effect produced by the growth of the nasomaxillary complex by the active and passive displacement. Coming to the nasal structure, the nasal structure have adolescent growth spurt in which the size and the morphology of the nasal cartilage increases, the size of the nasal cartilage increase. So this had a 25% add-on effect on the downward and forward movement of the nasomaxillary complex. Coming to the mandibular growth, in the postnatal mandibular growth, we have like a S-shaped curve. S-shaped curve क्या था कि पहले जो है वो आपकी आई थी juvenile growth spurt के बाद आया, और उसके बाद adolescent growth spurt आई. अगर हम इसको बिल्कुल smooth out करें, और smooth out करने के बाद हमने ये देखा कि अगर हम उसका average ले, on the average there is a ramus growth which is around the 1 millimeter. ये 1 millimeter रेमस से आप याद रखिएगा, रेमस जो है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी, और ये 1 आपको याद रहेगा, ये 1 लंबाई में ज्यादा है और रेमस जो है वो अपनी मॉर्फोलॉजी में ज्यादा है. सिंपल याद रखने के लिए कि रेमल जो है वो लंबा और एज कम्पेयर टू द बॉडी, तो ये आप 1 याद रखिएगा. अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, 1 to 2 millimeter जो है वो एवरेज रेमल ग्रोथ है, और 2 to 3 जो है वो कॉर्पस या बॉडी की ग्रोथ है. दोस्त में है 1 to 2 जो है वो रेमल की पार्ट की ग्रोथ है. साइलेंस प्लीज, साइलेंस मेंटेन रखें. और 2 to 3 millimeter जो है वो बॉडी ऑफ द मैंडिबल की ग्रोथ है. सॉरी बच्चों, इस वक्त मैं असल में क्लिनिक पे हूँ, तो दिस इज हैपनिंग अराउंड मी.
अच्छा, इसका क्या इफेक्ट है कि दूसरी हमने बात किया है कि प्रोमिनेंस ऑफ द चिन के ऊपर, चिन के ऊपर कैसे चेंजेस हो रही हैं, चिन पे जो उसकी एंटीरियर पोजीशन चेंज हो रही है, एक तो हो रही है डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल और ग्लेनॉइड फोसा के चेंजेस की वजह से भी आ सकती है। हो क्या रहा है कि चिन की बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, मॉर्फोलॉजी और शेप उसकी चेंज हो रही है। वो शेप कैसे हो रही है, एक तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो चिन के ऊपर ग्रोथ ऐसी होती है कि जो चिन का पार्ट है वो एड ऑन होता जा रहा है, इसके ऊपर जो है वो ग्रोथ होती जा रही है, तो वो एड ऑन होता चला जा रहा है जिसकी वजह से प्रोमिनेंस ऑफ द चिन इज बीइंग इंक्रीज्ड। हाउएवर एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं हो रहा, अगर चिन है तो वो देयर इज अ रिजॉर्प्टिव एरिया ऑन दिस एंड दिस एरिया व्हिच इज एंड दिस रिजॉर्प्शन इज बेसिकली इंक्रीजिंग द प्रोमिनेंस ऑफ द चिन। द फॉल्स कॉन्सेप्ट जो पहले था वो ये था कि जैसे चिन है तो अब यहाँ पे एड ऑन होने की वजह से चिन की प्रोमिनेंस हो रही है, दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द करेक्ट कॉन्सेप्ट इज दिस, इफ दिस अ चिन सो देयर इज अ रिजॉर्प्शन हैपनिंग बिटवीन द एट द लेवल ऑफ द बी पॉइंट, जो सेफ में बी पॉइंट का जो एरिया था यहाँ पर रिजॉर्प्शन होने की वजह से इसकी जो एंटीरियर सर्फेस है वो ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा क्लियर हो गई। सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि एज द मैंडिबल इज अटैच विद द क्रैनियल बेस सो द चिन मे कम फॉरवर्ड बाय द फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द मैंडिबल, प्रोमिनेंस ऑफ चिन इज इंक्रीज बाय द फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द मैंडिबल, यानी कि पूरा का पूरा जिस तरह एंटीरियर क्रैनियल बेस के मूव करने की वजह से मैक्सिला आगे आ गया था, इसी तरह क्रैनियल बेस के मूव करने की वजह से पूरा का पूरा मैंडिबल अगर डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव करे या अपने किसी ग्रोथ की वजह से मूव करे तो चिन के प्रोमिनेंस इंक्रीज कर गई, पहली बात। दूसरी उसकी रीजन थी इसका रिमॉडलिंग पैटर्न ऑफ द चिन, जो कि द चिन जो चिन का कंटूर ऐसा हो रहा है कि देयर इज अ रिजॉर्प्शन जस्ट अबव द चिन बिटवीन बिटवीन द चिन एंड द बेस ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस इज द रिजॉर्प्शन एरिया। बेस ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस और चिन के दरमियान में अगर रिजॉर्व हो रहा है तो उसके चिन की प्रोमिनेंस इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे कि हमें पता है कि जो है वो TMJ जो है वो अटैच है ग्लेनॉइड फोसा के साथ, तो अब ग्लेनॉइड फोसा फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ग्लेनॉइड फोसा तो ग्लेनॉइड फोसा की सरफेस चेंज होने की वजह से TMJ की पोजीशन चेंज हो रही है, बट एक्चुअली इसमें क्या बात है, हाउ एवर दिस रेयरली हैपन। ठीक है, जिस तरह मैक्सिला में तो बहुत ही प्रोमिनेंट होता था कि जो है वो डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं स्ट्रॉ लगा कर, और लेकिन मैंडिबल में क्या है कि ग्लेनॉइड फोसा की फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होती, बल्कि जब भी होती है एक तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ जो है वो TMJ नीचे आ जाएगा। सो जिसमें लिखा है कि दिस यूजुअली द अटैचमेंट मूव स्ट्रेट डाउन आएगा, या अगर ओकेजनली वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। अब सिंपल लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो TMJ अटैच है ग्लेनॉइड फोसा के साथ if the glenoid fossa is moving downward तो mandible पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, अगर forward move कर रहा है glenoid fossa तो mandible is moving outward and translating forward। However, there could be some subtractive effect because of the posterior movement of the glenoid fossa, तो वो उसकी prominence को पीछे की तरफ ले जाएगा और उसकी growth show नहीं हो पाएगी। For example, as you can see over there in this picture, so in this picture the glenoid fossa has not moved, so there has been a 7 millimeter or few, you can see some forward translation of the mandible because of the growth of the mandible, and this there is a similar amount of the growth but the glenoid fossa has moved downward and has moved posteriorly, so this has subtractive effect and it is concealing the anterior movement of the mandible. Okay, bas yahi isme ek baat thi. So coming to the height, width and the length, there is the growth complete in 3 planar spaces in different time zone. The growth in the width is completed first. सबसे पहले जो है वो width में growth complete हो रही है, फिर उसके बाद height में, और फिर उसके बाद जो है वो length में, और फिर height में. अगर हम इसको कहें कि वो कैसे करता है, तो सबसे पहले जो है वो width में, उसके बाद एंटोपोस्टीरियर ग्रोथ जो है वो खत्म हो रही है, और उसके बाद वर्टिकल ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा चलती है और सबसे देर तक चल रही होती है। सो ट्रांसवर्स ग्रोथ जो है, इसीलिए हमने मैडम ने आपको पढ़ाया होगा कि जो एक्सपेंशन वगैरह है वो हमारे पास एक बिल्कुल एक सर्टन स्टेज में हमने करनी होती है। द ग्रोथ इन द विड्थ इन द बोथ जॉस कंप्लीटेड बिफोर द डोरसल ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, डोरसल ग्रोथ स्पर्ट से
पहले, सबसे पहले विड्थ में जॉस की ग्रोथ खत्म होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू. विड्थ में ग्रोथ सबसे पहले खत्म होगी, उसके बाद एंटोपोस्टीरियरली और सबसे आखिर में वर्टिकल ग्रोथ चल रही है. अच्छा, इसमें यह है कि एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट से पहले ट्रांसवर्स ग्रोथ खत्म हो गई है, और लेकिन और दूसरी बात है कि इंटरकेनाइन विड्थ जो है, इंटरकेनाइन विड्थ इज बेसिकली इवन समटाइम डिक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर्स. क्यों, कैसे डिक्रीज करना शुरू करके, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ज्यादा मेच्योर करना शुरू करके, तो कॉर्नर ऑफ द माउथ पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इंटरकेनाइन विड्थ समटाइम स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर्स, वो कम होना शुरू हो जाती है. अच्छा, इसमें यह है कि यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ द ट्रांसवर्स प्लेन है वो तो हो गई खत्म. हाउ एवर, इफ द जॉज कीप ऑन ग्रोइंग पोस्टीरियरली, एंटो पोस्टीरियरली भी ग्रो करें ना, क्योंकि उनकी शेप जो है वो हॉर्स शू शेप, अगर हम कहें कि मैक्सिला है, तो इफ दे आर ग्रोइंग एंड पोस्टीरियरली, सो विद द पोस्टीरियर एक्सटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द जॉज, यू कैन से द ट्रांसवर्स विड्थ इज इंक्रीज, बट द एक्चुअल फैक्ट इज दिस कि देयर इज नो ट्रांसवर्स विड्थ इंक्रीज, बट इफ दे एक्सटेंड पोस्टीरियरली द ट्रांसवर्स डायमेंशंस इंक्रीज. डायमेंशन इंक्रीज करने और ग्रोथ इंक्रीज करने में बहुत फर्क है. ग्रोथ नहीं हो रही जबकि पोस्टीरियर एक्सटेंशंस या पोस्टीरियरली ग्रोथ होने की वजह से ट्रांसवर्स डायमेंशंस जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं. कमिंग बैक टू द, हाउएवर इन द वर्टिकल प्लेन, व्हाट इज हैपनिंग, द वर्टिकल ग्रोथ कंटिन्यू अप टू द लेट टीन्स, ठीक है, और जो एंटोपोस्टीरियर ग्रोथ है वो 14-15 साल तक, यानी कि आप कह लें कि जब तक 2 to 3 years आफ्टर द फर्स्ट मैचुरेशन, मैचुरेशन इन द गर्ल्स मैग्जिला ग्रो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अप टू 12, 14 to 15 years ऑन द एवरेज, जो 2 से 3 साल आफ्टर द मैचुरेशन जो है वो भी चलता रहता है. यानी कि आप सिंपल वर्ड में याद रखें कि 14-15 साल तक जो है वो लेंथ में या एंटोपोस्टीरियर ग्रोथ जो है वो चल रही है, और हमने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंडिबुलर ग्रोथ मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें ज्यादा उसमें कंसर्न है एंटोपोस्टीरियर ग्रोथ में, तो वो हमें पता है कि 14-15 साल के बीच में. वर्टिकल ग्रोथ का जो है वो कंटिन्यू रहती है टीन्स तक, लेकिन ये बात याद रखिएगा, क्लिनिकली अप्लाइड पॉइंट है कि वर्टिकल ग्रोथ टीन्स तक है, लेकिन एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट गुजर चुका हुआ है, तो उसमें जो 14 जो ग्रोथ स्पर्ट के दरमियान में वर्टिकल ग्रोथ थी, अगर आपने किसी पेशेंट को वर्टिकली भी ट्रीट करना है या वर्टिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो तब भी आप उसे एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट में करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है. उसके बाद जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन वो बहुत उसका लेवल स्लो हो जाता है. लेट टीन्स के बाद जो है वो एडल्ट लेवल, यहाँ पे वर्ड प्लीज नोट डाउन करें, द वर्ड इज एडल्ट लेवल. एडल्ट लेवल का मतलब क्या है कि अब जो ग्रोथ है वो सरप्राइजिंगली स्लो हो गई है. अपेरेंटली 1-2 साल में तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जो है वो आपको एक्युमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ जो है उसके ज्यादा नजर आएंगे, और यू कैन सी अ लार्ज एंड ह्यूज डिफरेंस इफ यू कंपेयर द पिक्चर्स इन द डेकेड्स. सो देर इज सम रोटेशन ऑफ द जॉ, रोटेशन ऑफ द जॉस के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्विकली इसको रिवाइज करते हैं. इंटरनल रोटेशन क्या होती है, विच इज हैपनिंग एट द कोर ऑफ द जॉस, यानी कि जॉ के अंदर जो कोई मूव कर रहा है वो, जो जॉ के अंदर मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्रेस मैंडिबल हेयर, सो द मूवमेंट विच इज हैपनिंग इन द कोर ऑफ द मैंडिबल इज बेसिकली द इंटरनल रोटेशन, एंड द सर्फेस चेंजेस द अपेरेंट रोटेशन ऑफ द मैंडिबल बिकॉज ऑफ द सर्फेस रिमॉडलिंग इज बेसिकली द एक्सटर्नल रोटेशन, एंड टोटल रोटेशन इज द अकुमुलेटिव इफेक्ट. अकुमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो क्रेनियल प्लेन के साथ, जो क्रेनियल एसन प्लेन के साथ, जो उसमें टोटल टोटल आउटकम जो नजर आएगा वो टोटल रोटेशन है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड ऑन या सब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो जो टोटल इफेक्ट नजर आएगा क्रेनियल बेस के साथ, अगर हम उसे कंपेयर करें, विच इज जज्ड बाय द पैरेटल प्लेन. पैरेटल प्लेन जो ANS और PNS, एंटीरियर नेजल स्पाइन और पोस्टीरियर नेजल स्पाइन के दरमियान में प्लेन है, और मैंडिबुलर प्लेन को जब जज किया जाता है क्रेनियल इंटीरियर क्रेनियल बेस के साथ, SN प्लेन के साथ, तो उसके जो टोटल अकमुलेटिव इफेक्ट हैं, जो टोटल रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आफ्टर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन या एक्सटर्नल सरफेस रिमॉडलिंग, वो होता है टोटल रोटेशन या अपेरेंट
रोटेशन ऑफ द मैंडिबल. अगर आपने ये टोटल रोटेशन में ना प्लीज आपने वर्ड अपेरेंट का जरूर यूज कीजिएगा कि अपेरेंट रोटेशन ऑफ द मैक्सिला एंड द मैंडिबल प्लेन एंड इट इज बीइंग जज्ड बाय द पैरेटल प्लेन एंड द मैंडिबल प्लेन एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशंस. क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन. ओरिजिनल स्टडी थी वो थी बयॉर्क की, लेकिन बयॉर्क ने जो टर्म यूज की थी वो काफी डिफिकल्ट थी. इस वजह से इन्होंने प्रॉफिट साहब ने इसको एक्सटर्नल, इंटरनल और टोटल रिमोट रोटेशन के हिसाब से इसको याद कर या डिस्क्राइब किया हुआ है. अच्छा, अगर तो हमने बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब जॉ ग्रो कर रहा है या मूव कर रहा है तो वो मूव ग्रो करने के साथ उसका साइज एक्सपैंड नहीं कर रहा है बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो रोटेशन है वो अफेक्ट हो सकती है अगर हम उसको असेस करना शुरू करें फंक्शनल प्रोसेस. हमने ये बात की थी कि द फंक्शन डिटरमिन्स द मॉर्फोलॉजी. फंक्शन डिटरमिन्स द मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शनल प्रोसेस ज्यादा एक्ट है, यानी कि किसी पेशेंट का मैसेटर बहुत स्ट्रांग है या उसकी मस्कुलर अटैचमेंट जो है वो काफी ज्यादा यूज में है, तो वो बोन का पार्ट जो है वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा. सो वी हैव टू एक्सक्लूड ऑल द फंक्शनल प्रोसेसेस इफ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड टू एनालाइज द रोटेशन पैटर्न ऑफ द मैक्सिलर मैंडिबल. क्यों हमें सिर्फ कोर ही क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम फंक्शनल प्रोसेसेस के ऊपर उसको स्टडी करना शुरू करें कि फंक्शनल प्रोसेसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, तो वो तो चेंज हो जाएंगे. फंक्शन या मॉर्फोलॉजी वो तो चेंज हो सकते हैं बाय द यूसेज ऑफ द मसल्स. सो उन्होंने क्या किया कि पहले डिवाइड किया फंक्शनल प्रोसेस और कोर ऑफ द मैंडिबल. कोर ऑफ द मैंडिबल को डिफाइन किया है द पार्ट ऑफ द मैंडिबल विच इज अराउंड द इन्फीरियर एल्वियोलर कैनाल. जबकि फंक्शनल प्रोसेसेस जो है वो कोरोनाइड प्रोसेस है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है, एल्वियोलर प्रोसेस है, जिसमें कि कोरोनाइड प्रोसेस कैसे कि उस पर एक मस्कुलर अटैचमेंट है, कॉन्डाइलर प्रोसेस पे अपनी फंक्शनैलिटी के साथ है जो आप चेंज कर लेते हैं कि ग्रोथ मॉडिफाइंस के साथ. डेंचर्स का आपको पता है कि अगर टीथ जो है वो अपना लॉस हो जाए तो फिर एल्वियोलर प्रोसेस भी खत्म हो जाता है. तो एल्वियोलर प्रोसेस का जो है वो डिपेंड करता है टीथ और उनकी डेवलपमेंट के साथ, और मस्कुलर प्रोसेस हैं जिनके साथ कोई मसल साथ अटैच हैं. सो इफ द इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड, सो द इम्प्लांट हैज टू बी प्लेस्ड इन द स्टेबल एरिया away from the functional process because we do not want to engage and assess the functional process remodeling pattern because they are dependent upon the working and functionality of the muscles to which they are attached. So the core is the bone which is around the inferior alveolar canal. So we have a different type of rotation. One is the forward rotation. Forward rotation is basically in the upward and forward rotation, and this is noted by the negative sign. ठीक है, negative sign से कहा upward और forward rotation है जिसमें कि chin आगे की तरफ anteriorly move कर रही है और superiorly move कर रही है. और इस rotation pattern के साथ क्या होगा कि anterior face height कम हो रही है. basically जो भी हमारी जो rotation है उसके साथ क्या हो रहा है, या हम basically rotation में क्या पढ़ रहे हैं कि ये अगर ये mandible है पूरा, ठीक है, सॉरी मैं अपने माउस से ट्रेस कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं बन पा रहा. तो ये मैंडिबल अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा तो एंटीरियर फेस हाइट जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, डाउनवर्ड बैकवर्ड मूव करेगा तो एंटीरियर फेस हाइट ज्यादा हो जाएगी. तो या सिंपल अगर कोर पे हम बात करें तो ये कोर पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये नीचे से नीचे की तरफ मूव कर रहा है. इस मूवमेंट के साथ जिसको हम कह रहे हैं कि नेगेटिव रोटेशन या अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेट कर रहा है, द एंटीरियर फेशियल हाइट इज डिक्रीजिंग, द पोस्टीरियर फेशियल हाइट इज इंक्रीजिंग. Okay, so this is denoted by the negative rotation. In this, then the facial height is being reduced. So the other kind of the rotation is basically downward and backward rotation. In the downward backward rotation, the posterior facial height is decreasing and the anterior facial height is increasing. And normally what happened in the jaws, we have normally, we have the 10 to around 15 degrees of negative rotation. Negative rotation ka kya matlab hai ki my mandible is moving upward and forward, लेकिन जो apparent हो रही होती है, जो नजर आ रही होती है, वो सिर्फ 2-4 degree ही आ रही होती है. इसका मतलब क्या है कि जो external remodeling है उसने उसके effect को कर लिया. Please note down, these are not the fixed values. These are just the example. ये हमारे पास low angle, high angle की जितनी भी variation आती है, ये हर बंदे में different है.
प्लीज नोट डाउन, इसको रिजिडली फॉलो ना करें इन वैल्यूज को. ये हर बंदे में रिमॉडलिंग पैटर्न डिफरेंट है, जिसकी वजह से लो एंगल और हाई एंगल पेशेंट जो है वो डेवलप होते हैं. होता क्या है कि मैं क्विकली इसको थोड़ा सा करता हूँ. ये असल में ना, ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर आपको पहले इसमें दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं. सो वैसे तेजी से चल रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस द मैंडिबल, sorry for my tracing, and if this is moving, having a negative rotation in which this is moving upward anteriorly and downward posteriorly. So ab ye hai iski internal rotation which is happening at the core of the mandible. So external rotation kya hai, which is because of the surface remodeling which is happening on the surface of the maxilla. If the bone is being resorbed near the एंगल ऑफ द मैंडिबल, इस तरीके से ये सारी बोन जो है ये सब रिजॉर्ब हो गई, तो हुआ क्या कि इसकी मॉर्फोलॉजी कन्वर्ट हो गई. जो पहले इस तरीके से था, फ्लैट था, वो अब इस फॉर्म में आ गया. क्यों इस फॉर्म में आ गया? क्योंकि यहाँ पर सारी बोन रिजॉर्ब हो गई. तो अब जो रेशियो एंटीरियर फेशियल हाइट और पोस्टीरियर फेशियल हाइट की रेशियो थी, वो चेंज हो गई. हुआ क्या कि यहाँ पर रिजॉर्प्शन होने की वजह से जितनी इंटरनल रोटेशन हुई थी, इंटरनल रोटेशन जिसमें कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चेन मूव की थी, और जो गोनियल एंगल के पार्ट से एरिया डाउनवर्ड मूव किया था, एक्सटर्नल रोटेशन जिसमें के सरफेस रिमॉडलिंग के सरफेस रिजॉर्प्शन की वजह से एंगल ऑफ द मैंडिबल के पास रिजॉर्प्शन हो गई, जिसकी वजह से वो इफेक्ट उसका खत्म हो गया, इंटरनल रोटेशन का इफेक्ट खत्म हो गया. अगर 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन हुई थी, तो 10 या 11 डिग्री की अगर एक्सटर्नल रोटेशन हुई, तो टोटल इफेक्ट जो आया वो 2 से 4 डिग्री तक का आया. ठीक है, मैं दोबारा जल्दी से बता देता हूँ. कोर ऑफ द मैंडिबल में नॉर्मली होती है नेगेटिव रोटेशन, जिसकी वजह से मैंडिबल के चेन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है. एक्सटर्नल रोटेशन विच इज द सर्फेस रिमॉडलिंग एंड हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मैक्सिला, फॉर एग्जाम्पल इफ द बेन इज बीइंग रिसॉल्व्ड नियर द एंगल ऑफ द मैंडिबल, सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस effect of the internal rotation is being concealed and removed by the external remodeling pattern of the mandible. So moving on, main sabko unmute kar raha hu, this point clear? Ji sir. Yes sir. Ji Vasik bhai, kya hota hai? Yes sir, okay sir, aage samajh rahe. Sir aap apni zuban bata de, main kuch kha pi lu. Meanwhile, आप जरा बताएंगे. सर आपने भी वो एक्सप्लेन किया कि इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन का